जालौन के जालौन कोतवाली में समय असहज की स्थिति पैदा हो गई जब एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर पुलिस कर्मियों के हवाले करती नजर आई। दरअसल इस संबंध में जो जानकारी है उसके मुताबिक जनपद जालौन कस्बे में रहने वाली महाराष्ट्र से के अमरावती जिले से आकर यहाँ रहकर नौकरी करने वाली महिला फूलवती, वो अपने छोटे बेटे संदीप को पकड़ कर लाई थी और उसका कहना यह था कि इस लड़के ने चोरी की है और इस लड़के को जो है आप जेल भेज दीजिए। और पुलिस कर्मियों के हवाले करने के बाद जब हमने उस महिला से बात की तो उसका कहना ये था कि वो उसके दो बेटे हैं, पति 8 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं और बेटे ही उसकी ज़िंदगी हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके बेटे कोई अपराध में लिप्त हो या अपराधी बने। आज उसने छोटी सी गलती की, अगर इस गलती की सज़ा इसको अगर इस समय नहीं दी गई तो आगे चल के ये बड़ा अपराधी बन सकता है। उन्होंने हर माँ के लिए एक आदर्श भी पेश किया और उनका कहना यह था कि मोहल्ले में ही एक जगह चोरी हुई थी, उसमें कुछ लड़कों के नाम प्रकाश में आए थे, इसमें इनके बेटे का नाम भी आया था, तो उन्होंने खुद अपने बेटे को पकड़ा है और पकड़ने के बाद लाकर पुलिस के हवाले किया है और पुलिस से बोली सर इसको आप जो है सजा दीजिए और इसको जेल भेजिए। तो कहीं ना कहीं एक कहानी हमें आपको एक चरितार्थ आती है। हमने आपने सुना होगा कि एक चोर को जब जज ने सजा सुनाई थी फांसी की तो उसने जज ने पूछा था कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, तो उसने कहा था कि मेरी माँ को बुला दो, मुझे मेरी माँ से कुछ बात करनी है। तो उसने अपनी माँ की नाक चबा ली थी और जब इस चोर से पूछा गया था कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, उसने कहा था कि जब मैंने पहली बार अपनी क्लास में पेंसिल चुराई थी उस समय अगर मेरी माँ ने दंडित किया होता तो शायद मैं इस रास्ते पर ना होता। तो वो याद आज इस माँ के यानी ममता मई माँ के कठोर निर्णय में ताजा हो गई। तो कहीं ना कहीं इस माँ के द्वारा लिया गया ये निर्णय पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? फूलवती। अच्छा, क्या हुआ है आपके बेटे ने, क्या किया? चोरी की है। चोरी की थी बेटे ने? कब किया था? इसने किए थे परसों। परसों कहाँ पे की थी? ये मोहल्ले में। अच्छा, फिर आपने क्या निर्णय लिया? हमने ये निर्णय लिया क्या उसको बंद कर दें, जेल पहुंचा दें। जेल पहुंचा दें। एक माँ होने के नाते फिर भी आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? इसलिए आगे चल के बिगड़ ना पाए। बिगड़ ना। 8 साल यही दो बेटे आपके सहारे हैं, फिर भी आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? नहीं सर, सहारा तो बड़े वाला लड़का देता है, वो कुछ नहीं देता है कभी भी। उसने तो बहुत कुछ किया है, नशा भी करता है, वो दारू पीता है, कभी करा नहीं है उसने। चोरी पहली बार की है। चोरी पहली बार की? आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में किस जगह से? अमरावती जिला से, और ये मायका है, वो ससुराल है ये। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।